नमस्कार, मैं हूं प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कल बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और बिहार को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। और नज़ारा आपको दिखाएंगे पटना की सड़कों का। इस वक्त हम मौजूद हैं इनकम टैक्स चौराहे पे, जहाँ पे आप देखिए जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से सड़क पर आ चुकी है और हर गाड़ी को रोका जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या कुछ है उसमें, आखिर क्यों लोग जा रहे हैं बाहर। क्योंकि बता दें आपको कि 31 मार्च तक बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया है। सिर्फ 12 जो ज़रूरी सुविधाएं हैं उन्हें छोड़ा गया है, उसके अलावा जो सभी चीज़ें हैं वो नहीं चलेंगी। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो नहीं चलेगी, जितने तमाम बस ऑटो हैं वो नहीं चलेंगे। इसलिए हर गाड़ी को रोका जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या है, कहाँ जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि क्यों आप आगे जा रहे हैं, अगर अति आवश्यक है तो आप निकले अन्यथा ना निकले। तो देखिए ये नज़ारा है इनकम टैक्स चौराहे का। पुलिस जो है हर लोगों को रोक रही है, पूछ रही है कि आप क्यों बाहर निकल रहे हैं, पूछा जा रहा है उनसे कि क्या काम है आपको। बेवजह किसी को कहीं भी जाने नहीं दिया जा रहा, हर लोगों को रोका जा रहा है, चेकिंग कर की जा रही है कि क्यों जा रहे हैं, अगर बेवजह जो निकल रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। देखिए पुलिस जो है पूरी सतर्कता के साथ तैयार है, लोगों को रोक रही है, पकड़ रही है। देखिए ये बेवजह बाहर निकले थे, इन्हें पकड़ा जा रहा है। तो यह साफ है जो प्रशासन है वो पूरा अलर्ट हो चुकी है प्रशासन, और किसी तरह की कोई कह सकते हैं कि कुछ, ये देखिए यहाँ पे गाड़ी को रोका गया है। देखिए ये देखिए गाड़ी पे बोर्ड लगा हुआ है लोकसभा, और इस पे लिखा हुआ है प्रत्याशी पाटलिपुत्रा पटना, ये लोकसभा के प्रत्याशी हैं। देखिए लोकसभा चुनाव जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये प्रत्याशी जो हैं वो बोर्ड लेके घूम रहे हैं, और देखिए इनकी गाड़ी को रोका गया है और इनसे पूछा जा रहा है कि आखिर आप कहाँ जा रहे थे, क्यों बाहर निकले हैं। देखिए जो पुलिस है यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अभी प्रचार भी नहीं हुआ है, अभी इलेक्शन भी नहीं है, और ये प्रत्याशी जो है लगाते हैं ये झूठा जो है गुर्बक बना रहे हैं ना, ये सवाल आप देख रहे हैं या देश के भलाई के लिए चाहिए, ये ना अपना भलाई की चाह रहा है ना देश का भलाई चाह रहा है। इनका गाड़ी ले जाया जाएगा, इस इनका गाड़ी जब्त हो गया था। सर क्या लोग पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का, लोग पालन नहीं कर रहे हैं सर, इन पर 188 धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की। पुलिस की ये जो प्रत्याशी है लोकसभा के, लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। फिर से आपको गाड़ी दिखाएंगे कि देखिए बोर्ड पे गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा के लोकसभा प्रत्याशी पाटलिपुत्रा ये घूम रहे हैं, बेवजह जो है वो सड़कों पे निकल रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप बेवजह गाड़ी लेके सड़क पे नहीं निकल सकते हैं। और ये देखिए जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि ये फालतू का सड़क पे निकल रहे हैं, इससे काफ़ी खतरा है, प्रत्याशी हैं ये और इन पे जो है कार्रवाई की जाएगी, इनकी गाड़ी को जब्त किया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखा रहे हैं कि इनकी गाड़ी को जब्त किया गया है, पुलिस इनकी गाड़ी को थाने ले जाएगी और इन पे कई धारे लगेंगे। जो धारा होता है जो कानून के तहत जो धारा लगाया जाता है वो लगाया जाएगा। तमाम देखिए जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सभी को पुलिस रोक रही है और चेक कर रही है, काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लगातार न्यूज़ फाउंडेशन भी आपसे अपील कर रहा है कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, अगर अति आवश्यक काम हो तभी आप निकले बाहर, अन्यथा आप बाहर ना निकलें। देखिए यही वो गाड़ी है, फिर से आपको दिखा दें, स्कॉडा नंबर भी देखिए वेस्ट बंगाल का है और इस पर साफ बड़े बोर्ड में बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है लोकसभा प्रत्याशी पाटलिपुत्रा पटना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हुए हैं, बेवजह बाहर निकल रहे हैं। और ये देखिए ये प्रत्याशी हैं लोकसभा के। जी वकील अहमद, मैं पाटलिपुत्रा से मैं चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, तो अभी तो लॉकडाउन है तो आप बाहर क्यों निकले? नहीं, सैनिटाइजर लेने के लिए निकले हैं भाई, कहीं नहीं मिल रहा है, पूरा तलाश लिए हम लोग। तो पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त कर रही है? नहीं, जब्त कर रही है तो भाई उनका अधिकार है ना, उनका अधिकार है, अधिकार से तो बाहर नहीं कोई जा सकता। तो देखिए साफ तौर पर सैनिटाइजर खरीदने के लिए अपनी गाड़ी से निकले हैं बाहर, ये पैदल भी निकल सकते थे, सैनिटाइजर आसपास भी इनके मिल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये शो ऑफ करने के लिए निकले थे, इस वजह से पुलिस ने इन्हें पकड़ा है और बड़ी कार्रवाई की। और देखिए जो तमाम जो कह सकते हैं कि पटना मेडिकल की टीम है या जो डॉक्टर्स हैं उन्हें आने जाने की इजाज़त है, लेकिन जो लोग हैं जो बेवजह आ जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है साफ तौर पर। बिल्कुल एक तरह से कहें कि पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन किया गया है बिहार, 31 मार्च तक बिहार जो है लॉकडाउन है, इस वजह से पुलिस जो है अलर्ट है, हर गाड़ियों को रोका जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर आप बाहर क्यों निकले। देखिए डॉक्टर्स जो तमाम हैं उनको जाने दिया जा रहा है, जो एम्बुलेंस है उनको जाने दिया जा रहा है, जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं उनको जाने दिया जाएगा, जो मीडिया कर्मी है वो जा सकेंगे, और अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो आपकी पूरी इजाज़त रहेगी जाने के लिए, लेकिन आप अगर बेवजह घरों से निकलेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी, आपको जाने से रोका जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स के। अमूमन पटना में सभी जगह जो है पुलिस मुस्तैदी के साथ उतर चुकी है सड़कों पर, लोगों से अनाउंसमेंट करके निवेदन भी कर रही है कि आप बेवजह बाहर ना निकले। देखिए इधर भी देखिए पूछताछ की जा रही है कि क्यों बाहर निकले हैं आप, देखिए भाई साहब से पूछा जा रहा है कि आप क्यों बाहर निकले हैं, पुलिस जो है लगातार इनसे पूछ रही है कि आप बाहर क्यों निकले हैं, क्या कहना है सर इनका? बोल रहा है कि
हम हॉस्पिटल के स्टाफ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, तो पुलिस इनसे आईडी कार्ड मांग रही है देखने के लिए। अब देखिए, आईडी कार्ड दिखाएंगे तो इन्हें जाने दिया जाएगा, अन्यथा इन्हें यहाँ से वापस भेजा जाएगा। तो बिल्कुल ये साफ हो चुका है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। देखिए, आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था इनको, साइड पे लगाया जाएगा। और देखिए, जो पुलिस है वो पूरी मुस्तैदी के साथ उतर चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। और जैसा कि कल नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि उसके बाद बिहार में लॉकडाउन किया गया है, पुलिस भी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर है। आपसे भी न्यूज़ फाउंडेशन बार बार अपील करता है, निवेदन करता है कि अगर आपको कुछ अति आवश्यक काम हो या कुछ इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप घर पर ही रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।